अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों से उर्दू ट्रांसलेशन करूंगी डेविड कॉपरफील्ड चैप्टर नंबर 2, माय लाइफ बिगेंस टू चेंज। मुझे बहुत सारी आप लोगों की तरफ से फीडबैक आ रही थी कंटिन्यूअसली कि मैं आप लोगों के साथ इसकी ट्रांसलेशन करूं डेविड कॉपरफील्ड की, क्योंकि टीचर मदर्स को बहुत प्रॉब्लम आ रही है। एग्जाम्स कुछ क्विजेस सर पर हैं इसके 4 चैप्टर्स के, सो आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं इसको जल्द अज जल्द जो है वो ट्रांसलेट कर लूँ। अच्छा, मज़े की बात है कि इसके चैप्टर्स भी बहुत हैं। एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर के चैप्टर्स काफ़ी कम थे, तो मुझे इतना वक्त नहीं लगा उसको ट्रांसलेट करने में, बट इट इज़ टेकिंग टाइम। सो एनी वेज आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि मैं इसको जल्द अज जल्द ट्रांसलेट कर लूँ इसके सारे चैप्टर्स। अच्छा, चैप्टर नंबर 2 के अंदर डेविड कॉपरफील्ड, असल में मैंने आप लोगों को जैसे कि पहले बताया कि चैप्टर नंबर 1 में डेविड कॉपरफील्ड अपने बारे में बता रहा होता है कि जब उसकी पैदाइश हुई तो उसके अब्बू का इंतकाल हो चुका था और उसकी अम्मी बहुत अफसरदा थी। फिर वहाँ पर जो है वो उसकी एक अब्बू की एक आंटी भी आ गई थी, लेकिन वो जब सुना उन्होंने कि बेटा हुआ है तो वो चली गई। अच्छा, अब आगे सुनिए सबक नंबर 2 में क्या होता है। माई लाइफ बिगेंस टू चेंज, यानी मेरी जिंदगी तब्दील होना शुरू हो गई। सफोक अ स्मॉल हाउस इन ब्लेंडर स्टोर। सफोक जो है वो एक ऐसा जगह है जहाँ पर, जो इंग्लैंड के अंदर, जहाँ पे इसका छोटा सा घर है जिसका नाम है ब्लेंडर स्टोर। जिस जगह पर है ये, इसको कहते हैं ब्लेंडर स्टोर। द फर्स्ट थिंग आई रिमेम्बर फ्रॉम माई अर्लीस्ट चाइल्ड हुड आर माई मदर विद हर प्रिटी हेयर। मुझे सबसे पहली चीज़ जो अपनी जो है बचपन की याद है वो ये है कि मेरी अम्मी के बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारे बाल थे। वो जवान थी, खूबसूरत चेहरा था उनका, और एंड पेगोटी विद हर डार्क आइज एंड रेड चीक्स एंड आर। अच्छा, पेगोटी जो है वो उसकी बड़ी बड़ी आंखें थी और उसके जो गाल थे वो लाल थे और उसके आर्म्स थे। माई मदर एंड आई वर बोथ अ लिटिल अफ्रेड ऑफ पेगोटी एंड एक्सेप्टेड व्हाट शी सेड इन मोस्ट थिंग्स। मेरी अम्मी और मैं अक्सर व बेशतर खौफजदा हो जाते थे पेगोटी से, क्योंकि वो जो है हम ये जानते थे कि वो कुछ ना कुछ ऐसा कह देती है जिससे हम डर जाते हैं। वन इवनिंग, एक शाम, पेगोटी एंड आई वर रीडिंग अ बुक टुगेदर। एक शाम पेगोटी और मैं जो है बुक पढ़ रहे थे, जब जो है वो गार्डन जो बेल थी वो बजी उनके बाग में। हम दोनों बाहर निकले और दरवाजे की तरफ, वहां पर मेरी अम्मी थी, बहुत ही आम लिहाज से और खूबसूरत लग रही थी। विद हर वॉज अ जेंटलमैन विद ब्लैक हेयर। उनके साथ एक जो है वो आदमी था जिसके काले बाल थे। माई मदर टुक मी इन हर आर्म्स। मेरी अम्मी ने मुझे अपने बाजुओं में ले लिया और मुझे प्यार किया। द जेंटलमैन सेड, उसने कहा कि मैं सबसे ज्यादा जो है खुशकिस्मत हूँ और एक बादशाह से भी ज्यादा खुशकिस्मत हूँ, और इस तरह की कुछ बात कही। वॉट डज दैट मीन, मैं इसका क्या मतलब है, मैंने अपनी अम्मी से पूछा, उनकी शोल्डर्स पे, मतलब उनके कान के पास पूछा। उन्होंने मेरा सर थपथपा दिया, बट सम हाउ आई डिड नॉट लाइक हिम और हिज डीप वॉइस। लेकिन जो है मुझे वो कुछ खास पसंद नहीं आया और ना ही मुझे उसकी गहरी आवाज़ पसंद आई। आई वॉज जेलस, मैं उससे हसद करता था जब वो मुझे हाथ लगाता था या मेरी अम्मी को जो है वो पकड़ता था, तो मुझे बड़ा बुरा लगता था। मेरा दिल चाहता था कि मैं उसका हाथ हटा दूं। ओह डेवी, मेरी अम्मी ने कहा, मुझे आवाज़ दी, डेवी द डियर बॉय, प्यारे बच्चे, जेंटलमैन ने मेरी अम्मी से कहा, मैं जो है ना हैरान नहीं हूँ, मुझे पता है कि ये तुमसे कितना प्यार करता है। आई नेवर सॉ सच अ ब्यूटिफुल कलर ऑन माई मदर्स फेस बिफोर। इससे पहले मैंने अपनी अम्मी के चेहरे पे इतना खूबसूरत रंग नहीं देखा था। वो मुड़ी और उन्होंने उस आदमी का शुक्रिया अदा किया कि मुझे घर लाने पर, मतलब उनको घर लाने पर। शी पुट आउट हर हैंड टू हिम एज शी स्पोक एंड एट द सेम टाइम लुक क्विकली एट मी। उन्होंने अपना हाथ उसके पास से उसके हाथ से निकाला और फिर कुछ कहा और मेरी तरफ देखने लगी फौरन से। कम लेट अस बी द बेस्ट फ्रेंड इन द वर्ल्ड, सेड द जेंटलमैन। उस आदमी ने मुझसे कहा, चलो भाई हम जल्दी से एक बहुत अच्छे, दुनिया के बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं, और हंसने लगा। हाथ शेक हैंड्स, हाथ मिलाओ। माई रेड राइट हैंड वॉज इन माई मदर्स लेफ्ट। मेरा जो सीधा हाथ था वो मेरी अम्मी के उल्टे हाथ में था, सो आई गेव हिम माई अदर हैंड। तो मैंने सीधे हाथ की जगह उल्टा हाथ आगे बढ़ा दिया हाथ मिलाने के लिए उस आदमी से। वाई डेट्स द रॉन्ग हैंड, क्यों गलत हाथ दे रहे हो देवी,
वो जो आदमी था वो हंसने लगा। मेरी माय मदर पुल्ड द अदर हैंड फॉरवर्ड, मेरी अम्मी ने मेरा सीधा हाथ आगे कर दिया, लेकिन मैं वो सीधा हाथ उसके हाथ में नहीं देना चाहता था, मैं नहीं चाहता था उसको देना। सो मैंने उसको अपना उल्टा हाथ दोबारा दिया, उसने मिला लिया एंड सेड आई वॉज अ ब्रेव यंग मैन, और उसने कहा कि मैं जो है बहुत बहादुर आदमी हूँ। देन ही वेंट अवे, फिर वो चला गया। माई मदर वॉज सिंगिंग टू हर सेल्फ एज वी वेंट टू इन टू द हाउस, मेरी अम्मी खुद खुद ही खुद कुछ गाना गुनगुना रही थी जब हम घर में दाखिल हो रहे थे। पेगोटी ने कहा, मुझे उम्मीद है कि जो है आपका आज की शाम बहुत अच्छी रही होगी। स्टैंडिंग स्टिफली इन द सेंटर ऑफ द रूम, कमरे के बीच में खड़ी हुई थी। थैंक यू पेगोटी, शुक्रिया पेगोटी, मेरी अम्मी ने कहा। आई हैव हैड अ वेरी प्लेजेंट इवनिंग, हाँ मैंने बहुत अच्छी शाम थी आज मेरी। पेगोटी स्टेड स्टैंडिंग इन द मिडल ऑफ द रूम, पेगोटी जो है वो कमरे के दरम्यान में खड़ी रही। माई मदर कंटिन्यूड टू सिंग, मेरी अम्मी जो है ने गाना गाती रही। एंड आई फेल इन टू अ लाइट स्लीप, और उसके बाद मैं हल्की नींद सो गया। आफ्टर अ लिटिल वाइल, थोड़ी देर बाद मैं आधा उठ गया था, बट माई मदर एंड पेगोटी वर क्राइंग, लेकिन मेरी अम्मी और पेगोटी रो रही थी एंड बोथ वर टॉकिंग, और आपस में बातें कर रही थी। मिस्टर कॉपरफील्ड वुड नॉट हैव लाइक समवन लाइक दिस मैन, पेगोटी ने मेरी अम्मी से कहा कि मिस्टर कॉपरफील्ड यानी जो आपके हस्बैंड थे वो जरूर इस आदमी को पसंद नहीं करते, और मैं जानती हूँ यकीनन वो पसंद नहीं करते। गॉड हेवेंस क्राइड माई मदर, मेरी अम्मी ने कहा, खुदा का वास्ता यू विल मेक मी गो मैड, तुम मुझे पागल कर दोगी। मैं यकीन नहीं कर सकती कि कोई भी इंसान इतना बुरे तरीके से किस तरह से जो है उसको ट्रीट किया जा सकता है उसके ही नौकर की नौकर की वजह से। यानी ऐसा है कि कोई नौकर किसी अपने मालिक को इतना बुरे तरीके से किस तरह से जो है वो ट्रीट कर सकता है। हाउ कैन यू बी सो क्रूल, तुम कैसे इतनी जालिम हो सकती है पेगोटी। यू नो वेरी वेल डेट आउटसाइड दिस हाउस आई हैव नॉट अ फ्रेंड इन द वर्ल्ड टू हेल्प मी, तुम जानती हो, तुम बहुत अच्छे तरीके से जानती हो इस घर के बाहर मेरा कोई दोस्त नहीं है जो मेरी मदद कर सके। दैट इज वाई आई हैव टू टेल यू दीज थिंग्स, पेगोटी ने कहा कि यही वजह है कि मैं आपको ये सारी बातें कह रही हूँ। अजीब सी बात थी, हैरत अंगेज बात थी कि जो है वो उसको उनको समझा रही थी अपने मालिक को, यानी जाहिर सी बात है वो उस घर की मालिकन थी, मालिक थी। एनी वेज, हाउ कैन यू टॉक एज इफ इट इज ऑलरेडी डिसाइडेड, तुम कैसे बात कर सकती हो इस बारे में जब एक बात पहले ही जिसका फैसला हो चुका है। मैं तुम्हें बार बार कहा है कि कुछ नहीं हो सकता अब हमारे दरम्यान, अब तुम जो है ना वो ख्यालात की बातें कर रही हो। मैं अब क्या करूं, मैं जो हूँ इतनी इफ पीपल आर सोशली टू एडमायर मी, क्या इसका मतलब ये है कि तुम ये कहना चाह रही हो कि लोग बहुत बेवकूफ हैं जो मेरी तारीफ करते हैं, ये मेरी मेरी गलती है। मैं क्या करूँ, मैं किससे पूछूँ, शुड आई कट ऑफ ऑल माई हेयर, क्या मैं अपने तमाम बाल काट दूँ, उसके अपने फेस के ऊपर जो है गंदगी फेंक दूँ तो क्या तुमको मजा आएगा। पेगोटी डिड नॉट नो वॉट टू आंसर, पेगोटी को नहीं पता था उसको क्या जवाब देना है। एंड माई डियर बॉय, माई ओन लिटिल डेवी, और मेरा बेटा, और मेरा प्यारा बेटा, मेरा एक छोटा सा डेवी, मेरी अम्मी रोने लगी। द डियरेस्ट बॉय डेट देयर एवर वॉज, ये सबसे प्यारा है मेरा, डू आई नॉट गिव हिम माई लव एंड अफेक्शन, क्या मुझे उसको मोहब्बत और प्यार नहीं देना चाहिए। नो बडी एवर सेड यू डिडंट, किसी ने नहीं कहा कि आप नहीं देती, यू डिड, यू नो यू डिड, तुम जानती हो, आप जानती हैं और आप देती हैं। देन टर्निंग टू बी, मेरी तरफ मुड़ी, मेरी अम्मी ने मेरे चेहरे पे हाथ, चीक्स पर हाथ लगाया। क्या तुम ये कहना चाहती हो कि मैं एक शरारती माँ हूँ डेवी के लिए, एम आई ए नेस्टी क्रूल बैड मदर, क्या मैं बहुत बुरी औरत हूँ, बुरी माँ हूँ। से आई एम माई चाइल्ड, से यस, मेरे से आई एम, मुझे बताओ मेरे बच्चे, से यस, बोलो डियर बॉय एंड पेगोटी विल लव यू, हाँ बोलो डियर बॉय, और मेरे प्यारे बेटे, पेगोटी तुमसे प्यार करती है, करेगी, एंड पेगोटीज लव इज अ ग्रेट डील बेटर देन माइन, क्या पेगोटी तुमसे मुझसे ज्यादा प्यार करती है। डेवी आई डोंट लव यू एट ऑल, क्या मैं तुम्हें प्यार नहीं करती, क्या तुम मेरी इन बातों का जवाब दे सकते हो। एट दिस वी ऑल बिगेन टू क्राई टुगेदर, सब रोने लग गए तीनों, डेविड, पेगोटी और उसकी माँ। वी वेंट टू बेड वेरी अपसेट, हम जो है बिस्तर पर गए बहुत उदास थे। एट फर्स्ट आई क्राइड एंड क्राइड, मैं शुरू में तो मैं रोता रहा रोता रहा, मेरी अम्मी सुनती रही। एंड केम टू माई रूम, मेरी अम्मी कमरे में आई, एंड आई फेल स्लीप इन हर आर्म्स, मैं उनके बाजुओं में सो गया, उनकी बाहों में सो गया। आफ्टर डेट आई स्लेप्ट डीपली, उसके बाद मैं गहरी नींद सो गया। आई डोंट नो इफ इट वॉज द नेक्स्ट संडे और द संडे आफ्टर डेट, मुझे नहीं पता कि अगला दिन संडे था
यह संडे के बाद कुछ था, बट द जेंटलमैन वॉज देयर। अब जो है वो जेंटलमैन, फिर जो है वो ये आदमी दोबारा था। जब हम चर्च जा रहे थे, वी ही वॉक्ड होम विद अस आफ्टरवर्ड्स, वो हमारे साथ चलता हुआ घर तक आया। स्लोली आई बिकेम यूज टू सीइंग द जेंटलमैन, आहिस्ता आहिस्ता मैं आदी हो गया था उस आदमी को देखने के, जिसकी आंखें काली थी और बाल भी काले थे। आई डिडंट लाइक हिम, मैं उसको नहीं पसंद करता था। एंड जब से मैंने पहली दफा देखा था और अभी तक मुझे उससे बहुत बुरा लगता था। मुझे इवन उससे जो है ना जलन और हसद महसूस होता था। बट आई वॉज ओनली यंग, मैं एक जो है छोटा सा बच्चा था, जिसके पास कोई एक ऐसी माकूल वजह नहीं थी, माकूल वजह नहीं थी जिसकी वजह से मैं उसको बुरा महसूस करता कि वो अच्छा आदमी नहीं है। इट वॉज जस्ट अ चाइल्ड्स नेचुरल बिहेवियर, ये एक बच्चे की जो है वो कुदरती बिहेवियर था उस आदमी की तरफ, जो कि देख रहा है कि उसकी अम्मी की वो अटेंशन हासिल मतलब एक आदमी उसकी अम्मी की तवज्जो हासिल करना चाह रहा है। तो वो जाहिर सी बात है, वो कोई भी बच्चा होगा तो उसको ये बात बुरी महसूस होगी और वो उससे जलना शुरू कर देगा। देयर वॉज ऑल्सो द सर्टेनिटी डेट पेगोटी एंड आई डिड नॉट नीड एनी वन हेल्प टू लुक आफ्टर माई मदर। और जो है ये बात भी तय थी कि जो है पेगोटी और मुझे कोई जरूरत नहीं थी कि मेरी अम्मी को देखने के लिए किसी को चाहिए, किसी की जरूरत है। सर्टेनली इफ आई हैड बीन ओल्डर, और जाहिर सी बात है जब मैं बड़ा होता तो मैं ज्यादा बेहतर जो है वजह बता सकता कि मैं क्यों इस आदमी को पसंद नहीं कर सकता करता। वन इवनिंग पेगोटी एंड आई वर सिटिंग रीडिंग एज बिफोर, माई मदर वॉज आउट एज बिफोर। एक शाम पेगोटी और मैं बैठे हुए रीडिंग कर रहे थे, बुक पढ़ रहे थे। पेगोटी जो है ने काफी दफा मेरी तरह, और मेरी अम्मी बाहर गई हुई थी पहले की तरह। मैन पेगोटी आफ्टर लुकिंग एट मी, पेगोटी पहले मुझे देखने लगी काफी दफा, सैड। उसके बाद कहा, मास्टर डेविड वुड यू लाइक टू कम विथ मी, क्या तुम मेरे साथ चलोगे और कुछ हफ्ते जो है मेरे साथ गुजारोगे मेरे भाई के घर पर यारमाउथ में। इज योर ब्रदर अ नाइस मैन, मैंने पूछा, मैं खौफजदा होते हुए पूछा, क्या आपके भाई अच्छे आदमी हैं? ओ यस सेड पेगोटी, पेगोटी ने कहा, हाँ वो बहुत अच्छा आदमी, होल्डिंग अप हर हैंड्स, तो अपने हाथ जो हाथ पे हाथ रखते हुए बोला। एंड देयर इज द सी, और वहां पर समंदर भी है, बोट्स भी है, कश्तियां भी हैं और शिप्स भी हैं। एंड द फिशरमैन एंड द बीच, और तुम्हें मछेरे भी मिलेंगे और साहिल भी। एंड हैम टू प्ले विद, और हैम के साथ तुम खेल सकते हो। आई रिप्लाई डेट आई वुड लाइक टू गो बट वुड माई मदर से, मैंने जवाब दिया कि क्या, हाँ मैं जाना चाहूंगा लेकिन क्या मेरी अम्मी क्या कहेंगी। आई विल आस्क हर, मैं उनसे पूछ लूंगा। एज सून एज शी गेट्स बैक, जैसी वो घर आएंगी मैं उनसे पूछ लूंगी, पेगोटी ने जवाब दिया। बट वॉट विल शी डू वाइल वी वर अवे, लेकिन वो क्या करेंगी जब हम इतनी उनसे दूर होंगे, मैंने पूछा। शी कांट लिव बाय हरसेल्फ, वो अकेले नहीं रह सकती। पेगोटी के पास अब कोई जवाब नहीं था कि वो कोई जवाब देती मुझे। एट लास्ट शी सेड, आखिरकार उसने कहा, ओ ब्लेस यू, अल्लाह मेहरबान हो, डोंट यू नो, क्या तुम नहीं जानते, शी इज गोइंग टू स्टे विद मिसेस ग्रेपर फॉर अ कपल ऑफ वीक्स। वो जो है जा रही है रहने के लिए मिसेस ग्रेपर के पास कुछ हफ्ते के लिए। व्हेन माय मदर केम होम, जब मेरी अम्मी घर आई, शी वॉज नॉट एज सरप्राइज एज आई वॉज एक्सपेक्टेड, वो हैरान नहीं थी इस बात को सुन के कि मुझे कहीं मुझे पेगोटी कहीं लेकर जाना चाहती है, जैसा कि मैं सोचा था। वो पेगोटी के जो है वो आइडिया के ऊपर खुश हो तैयार रजामंद हो गई, और ऐसा लग रहा था ये सब चीजें पहले से तैयार थी। उस रात द डे सून केम फॉर अस टू गो टू यारमाउथ, वो दिन जल्दी आ गया जब हमें यारमाउथ जाना था। वी वर टू गो इन अ कैरियर कार्ट इन द मॉर्निंग आफ्टर ब्रेकफास्ट, हमें नाश्ते के बाद कैरियर कार्ट से निकलना था। आई वॉज सो एक्साइटेड, मैं बहुत जो है खुश था कि मुझे बहुत सारे पैसे मिलेंगे, और आई वुड हैव गिवन अ लॉट ऑफ मनी टू स्लीप इन माई हैट एंड बूट्स, तो मैं जो हूँ बहुत मज़ा आएगा। आई रिमेम्बर हाउ ईगर आई वॉज टू लीव माई हैप्पी होम, मैं बहुत जो है मुझे याद है कि मैं बहुत परेशान होता था अगर मुझे कोई कहता था मैं अपना खुशी भरा घर छोड़ूं। आई नेवर रियलाइज देन वॉट आई वॉज लिविंग बिहाइंड फॉर एवर, मुझे नहीं एहसास था कि मैं अपने पीछे क्या सारी जिंदगी के लिए छोड़कर जा रहा हूँ। द कैरियर कार्ट केम टू द गेट, कैरियर कार्ट आ गया घर के दरवाजे पर। माई मदर स्टूड देयर किसिंग मी, मेरी अम्मी वहाँ खड़ी हुई थी, मुझे प्यार कर रही थी। आई नेवर लेफ्ट माई होम बिफोर, इससे पहले मैंने अपना घर कभी नहीं छोड़ा था। आई सडनली रियलाइज, मुझे अचानक महसूस हुआ हाउ मच आई लव्ड माई मदर एंड माई होम, कि मैं अपनी अम्मी और अपने घर से कितना मोहब्बत करता हूँ। आई बिगिन टू क्राई, मैं रोने लग गया, मेरी अम्मी अभी रोने लगी। एंड आई फेल्ट हर हार्ट बीट अगेंस्ट माइन, और उनका दिल धक धक करने लगा मेरे लिए। एज द कार्ट बिगेन टू मूव, जैसे ही जो है वो कार्ट चलने लगा, मेरी अम्मी जो है दरवाजे की तरफ भागती हुई आई।
एंड कॉल टू हिम टू स्टॉप, और आवाज दी कि वो रुक जाए, सो डेट ही शी कुड किस मी वंस मोर, कि वो एक दफा फिर मुझे प्यार कर सकें. एज वी लेफ्ट हर स्टैंडिंग इन द रोड, जब उन्हें हमने रोड के ऊपर छोड़ दिया था, मिस्टर मर्ड स्टोन, फॉर डैट वॉज द ब्लैक हेयर जेंटलमैन्स नेम, मिस्टर मर्ड स्टोन वहाँ आ गए जिनके बाल काले थे. ही सीन टू बी ट्राइंग टू स्टॉप माई मदर शोइंग हर फीलिंग्स फॉर मी, मेरी अम्मी को रोकने लगे कि वो अपने एहसास मुझे दिखाएं. आई लुक बैक, मैं पीछे देखा एंड हैरान रह गया, वॉट बिजनेस इट वॉज ऑफ हिज, ये इसका ये इनको इस मर्ड स्टोन को क्या मतलब, मेरे और मेरी अम्मी के बीच में क्या इनको उससे तकलीफ है, ये क्यों आए हमारे बीच. पेगोटी ऑल्सो सीम्ड अनहैप्पी, पेगोटी भी जो है वो बज़ाहिर जो है वो नाखुश थी. एज शी टर्न्ड हर फेस टुवर्ड्स मी, उसने मेरी तरफ चेहरा मोड़ लिया था कार्ट के अंदर. ये चैप्टर नंबर 2 की पूरी कहानी थी. अच्छा, इसमें एक बात कुछ मदर्स को प्रॉब्लम आ रही थी क्वेश्चन के अंदर, कि जैसे क्यों जो है पेगोटी डेविड कॉपरफील्ड को, डेविड को, डेवी को लेकर अपने भाई के घर गई. तो ऑब्वियसली उसकी मदर को कुछ टाइम मिल जाता जिसमें वो शादी करके कुछ अच्छा टाइम स्पेंड कर लेते मर्ड स्टोन के साथ, उसकी मदर और मर्ड स्टोन. खैर, डेविड को मर्ड स्टोन बिल्कुल भी पसंद नहीं आए थे, और पेगोटी अपने भाई के घर पर डेवी को ले गई थी कुछ दिन के लिए, ताकि वो अच्छा वक्त भी गुजार लेता और इधर उसकी अम्मी और मिस्टर मर्ड स्टोन को कुछ वक्त अच्छा गुजारने के लिए मिल जाता. तो नाजरीन, हाजरीन, बच्चों, प्यारे बच्चों, ये कहानी थी अब तक की जो चैप्टर 2 में. खैर, हर चैप्टर पढ़ने के बाद मेरा दिल होता है कि मैं फौरन ही अगला चैप्टर पढ़ लूँ. खैर, माजरत के साथ मुझे जो है वो अभी सारे चैप्टर्स मौसूल भी नहीं हुए, सो आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि मैं जितनी जल्दी इनको ट्रांसलेट कर लूँ और आप लोगों के लिए आसानी हो. अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, क्योंकि मैं सिर्फ यही जो नॉवेल्स हैं इनकी ही उर्दू में ट्रांसलेशन कर रही हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ कि आप लोगों का मेरे पास पॉजिटिव फीडबैक आता है जिसकी बेसिस के ऊपर. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर मैं अगले चैप्टर के साथ की ट्रांसलेशन के साथ फिर हाजिर होंगी. ओके, बाय बाय. ओके नाउ फ्रेंड्स, व्हाट यू हैव टू डू आफ्टर वॉचिंग माई वीडियोज, यू शुड हैव टू सब्सक्राइब टू इंजीनियर नाहिद शहजाद YouTube चैनल एंड फॉलो मी एट www.nahidshahzad.blogspot.com. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. बाय बाय.